आगे बढ़ते काले धन के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का साथ मिला है। गुरुग्राम में किसानों का कहना है कि थोड़ी परेशानी झेलने के बाद अगर बड़ा आराम मिलने वाला है तो परेशानी झेलने में कोई हर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े नोट बदलने का फैसला देश के सामने रख दिया, उनसे 50 दिन का वक्त भी मांग लिया, लेकिन उनके फैसले से किसान कितने सहमत हैं, ये जानने के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम साइबर हब गुरुग्राम से 25 किलोमीटर दूर फर्रुख नगर के पातली हाजीपुर पंचायत में पहुंची। यहां किसान गेहूं की बिजाई के काम में व्यस्त नजर आए। किसानों के साथ पीएम मोदी के फैसले पर चर्चा करने पर पता चला कि देश का किसान भी उनके साथ खड़ा है। उनका कहना है कि नए फैसले जब भी लिए जाते हैं उनसे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं। ऐसे में बेहतर भविष्य और काले धन की रोकथाम के लिए पीएम के फैसले का समर्थन करना जरूरी है। कुछ दिक्कत आ रही है चेंज करने में, लेकिन काम जो है वो रूटीन के चल रहे हैं। और ये जो फैसला था मोदी सरकार का बहुत अच्छा एक साहसिक कदम है। केंद्र सरकार को इस फैसले की वजह से लोगों को आने वाली दिक्कतों का भरपूर अंदाजा था, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार हर दिन कोई नया प्रयास करती नजर आ रही है। इसलिए लोगों को भी धैर्य रखने की जरूरत है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। वही हिसार में बैंकों के बाहर कतारें अब पहले की तरह लंबी नहीं रही है। लोगों को काफी हद तक राहत मिलती नजर आ रही है। प्राइवेट बैंकों में इक्का दुक्का ग्राहक आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए लोग बड़ी आसानी से नोट जमा करवा पा रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज वहां पर हो रही है। 500 रुपए के नोट बंद होने के बाद लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों की परेशानी कम हो। इन कोशिशों का असर हिसार में देखने को मिल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के बाहर आप ये कतार देख सकते हैं। सुबह ज्यादा लंबी थी, पिछले दिनों की बात की जाए ये और लंबी कतार हुआ करती थी, लेकिन दोपहर होते होते ये कतार काफी छोटी हो गई है। लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा नोट जमा करवाने के लिए और करेंसी चेंज करवाने के लिए। जिस मार्केट में हम खड़े हैं यहाँ पर कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं, उनका आप नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर किसी तरीके कि कोई कतार आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्राहक आसानी से अंदर जा रहे हैं और अपना काम करवाकर बहुत जल्दी वापस आ जा रहे हैं। लोगों को इस वक्त किस तरीके की सुविधा या असुविधा पेश आ रही है उसके बारे में बात करने के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों जिस तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही थी या हाल फिलहाल जो स्थिति है, कुछ अंतर पड़ा है? बिल्कुल सर, पीछे पहले बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी, लाइनों में कतारों में खड़ा रहना पड़ता था घंटे घंटे, तीन तीन घंटे। अभी बैंक में जाते हैं, डायरेक्ट काम करवाते हैं, वापिस आ जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो रही। जी, अब परेशानी कम हुई है, आपसे जानना चाहेंगे किसी तरीके की परेशानी फिलहाल या कुछ राहत मिलती नजर आ रही है? अब राहत मिल रही है। चेक वालों को सीधा लाइन के बिना जाने दे रहे हैं अंदर। चेक जिसके पास चेक है खुद का अकाउंट का, उसको 10,000 रुपए एक हफ्ते में 20,000 रुपए आराम से देने लग रहे हैं, पहले से तो कम है। जो जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं सरकार को, परेशानियों के बारे में पता चल रहा है सरकार को, तो वो चाहे लिमिट बढ़ाने की बात हो, कैश निकलवाने की या करेंसी एक्सचेंज करवाने की लिमिट बढ़ाने की बात हो, तो वो बढ़ाई जा रही है, उससे फायदा हो रहा है? हाँ जी सर, उससे भी बहुत फायदा मिल रहा है लोगों को। अब लोग थोड़े ज्यादा अपने एक्सपेंडिचर के लिए निकलवा सकते हैं पैसे बाहर, तो लोगों को सर राहत तो मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप उठाए जा रहे हैं जो बेनिफिशियल तो है ही सर। जी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए फिर राहत मिलेगी लोगों को, उसका असर आपको दिखाई पड़ रहा है या आप खुद महसूस कर रहे हैं साथ देने के लिए तैयार हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल 50 दिन के अंदर हम साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें खुशी है कि ये जो चल रहा है उसमें बहुत फायदा है और हमको इस पे उनका साथ देंगे। जी, लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। कतारें हैं हिसार में वो छोटी हो रही हैं, जैसे जैसे एटीएम्स भी चलने शुरू हो रहे हैं तो फिर वो जो भीड़ हुआ करती थी वो काफी हद तक उस तरफ भी शिफ्ट हो रही है। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बैंकों के बाहर जो कतारों का सिलसिला है वो और छोटा होगा और लोगों को जो परेशानी हो रही है वो कम होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। तो करेंसी क्रांति को देश भर में समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो फैसला लिया गया है वहां पर लगातार जो है लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है, लेकिन वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हरियाणा का हाल हमने आपको दिखाया। वहीं 1965 की लड़ाई में चीन के साथ युद्ध में देश के लिए लड़े मेजर सुधीर खन्ना का कहना है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, इसे देश की इकोनॉमी को
बहुत ज्यादा फायदा होगा। खन्ना का मानना है कि जब से फैसला आया है तब से कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। उनसे विस्तार से बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता विशाल द्विवेदी ने। जनसाधारण को थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ रही हैं, पर ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ 1965 के एक वॉर वेटरन हैं मेजर सुधीर खन्ना। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है कि 500 और 1000 के जो नोट बंद कर दिए हैं, आप इस फैसले को कैसे समझते हैं और काले धन के ऊपर या आतंकवाद के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा? आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस मूव। आई विश इट हैड बीन डन अर्लियर। द ब्लैक मनी व्हिच वाज बीइंग पंप्ड इनटू द कंट्री इन काउंटरफीट नोट्स बाय द पाकिस्तानीज or the neighboring country, whether it was definitely Pakistanis, has all gone off the air. Srinagar, which used to have stone pelting every day, has stopped altogether. The last 5 days or 6 days, there's been no stone pelting at all because they're not being paid. One, it's such a lovely move. All the people who had black are now, they're the ones who are cursing and making all kinds of excuses and trying to criticize our prime minister. I feel the country is going to grow by leaps and bounds with no black money. I'm very happy with it. Thank you. तो जैसे कि देखा जा सकता है कि जो पुराने फौजी हैं जिन्होंने 65 की लड़ाई देश की सुरक्षा के लिए लड़ी थी, वो ये मान रहे हैं कि ये जो लड़ाई है काले धन के खिलाफ और आतंकवाद में आतंकवादियों को देने के लिए जो पैसा या नकली नोट जो आते हैं उसके खिलाफ भी एक ये लड़ाई है, एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है और जनसाधारण भी इससे काफी खुश है। थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, पर ज्यादातर जो माहौल है वो इसी से है कि लोग इससे प्रसन्न हैं और इस फैसले का काफी स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। तो करेंसी क्रांति के लिए देश तैयार है और देश भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल रहा है। इससे जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या करेंसी चेंज से बेईमानों को गहरी चोट पहुंची है? इसके लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y, न्यू के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N। SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर। इस सवाल का जवाब आपको रात 9 बजे की बुलेटिन यानी कि पंजाब @9 में मिल जाएगा।